अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम अली है और हाँ भाई, आ ही गए हो तो रुको, जरा सबर करो क्योंकि आज दो ऐसी डिवाइसेज हैं मेरे पास जिनमें से एक तो आपकी होने वाली है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तानी मार्केट में कम कीमत में आपको अच्छे ब्रांड की डिवाइसेज भी आप मिलने लग गई है। एक है ZTE का A54 ब्लेड और एक पाकिस्तानी मार्केट में 8GB 256GB विद अ ग्लास बैक एक डिजाइन वाला फोन मिलता है जिसको ZTE बोलता है V50 डिजाइन। आज की इस वीडियो में इन दोनों फोन्स के बारे में बात करेंगे, ये दोनों फोन हमें क्या क्या फीचर ऑफर करते हैं, और एंड तक देखोगे तो एक गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकोगे जो कि मैं आप में से एक दोस्त को देने वाला हूं। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और भी कुछ गिव अवेज चल रहे हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आपने चेक कर लेना है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये है बॉक्स ZTE के इन फोन्स के, एक है V50 डिजाइन और एक है A54 ब्लेड सीरीज, दोनों ही फोन्स की आती हैं। कुछ की स्पेसिफिकेशन ऊपर मेंशन है, बट भाई जैसे हमने ऑरेंज शर्ट पहनी है, यहाँ पर ऑरेंज बॉक्स मिलता है इस फोन का और ये ईद सेल में आपको 18,000 रुपये के राउंड मिल रहा है, 4GB 64GB और 20,000 रुपये के राउंड 4GB 128GB, एंड दिस इज ऑनली फोन इन दैट प्राइस सेगमेंट जो कि किसी अच्छे ब्रांड की तरफ से आपको ये वाली स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। हम इन फोन को खोल लेते हैं डब्बों से बाहर, और ईदी चल रही है तो ईदी तक तो आपने रुकना है, मतलब ईदी हम देंगे इस वीडियो में भी आपको। तो यहाँ इसके रैपर को हम निकाल लेते हैं बाहर। तो भाई दोनों फोन्स के बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स कर सकें, दोनों का थोड़ा सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस डिफरेंट है। यहाँ पर वाकई थोड़ा सा मिड रेंज सेगमेंट वाला है, यहाँ पर बजट रेंज सेगमेंट वाला है, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। सबसे पहले A54 की बात करते हैं तो यहाँ पर डिवाइस है, फिर इस तरह से पैकेजिंग मिलती है, इसको निकालने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से एक जो है वो 1mm TP मिल जाता है। अच्छी बात है भाई, इस तरह के मॉडल्स के ऑफलाइन मार्केट में सिलिकॉन नहीं मिल रहे होते तो आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। फिर मिलती है एक हैंड फ्री जो कि ब्लैक कलर की है, और अच्छी बात यह है कि भाई बॉक्स में हैंड फ्री ज़रूर है, और यहाँ पर आपको मिलती है टाइप सी वाली कनेक्टिविटी। और 20,000 रुपये में बहुत कम ऐसे फ़ोन थे जो कि टाइप सी ऑफर करते थे, तो यहाँ पर टाइप सी वाली कनेक्टिविटी मिल जाती है। लाइक अभी आपको ये हो जाएगा कन्फर्म कि टाइप सी का स्टैंडर्ड जो है सारे ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ 10W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिल जाता है, और एक हमें स्क्रीन गार्ड भी मिलता है। ये एक पेपर है जो हमें फ़ोन पर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद सिम इजेक्टर टूल है जो इस तरह से जो है लगाई गई है भरल। यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ मैनुअल गाइड और वारंटी कार्ड मिल जाते हैं। फिर आते हैं हम V50 डिज़ाइन के ऊपर, और डिज़ाइन के हिसाब से जो V50 डिज़ाइन है ना, उसकी डिज़ाइन वाली ही हमें ज़रा ना अनबॉक्सिंग मिल रही है। लाइक इस तरह से लेड रखी गई है प्रॉपर एक, और यहाँ हमें एक सिलिकॉन केस जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है जो कि इस तरह के स्क्वायर शेप में पूरी आईफोन वाली फील दे रहा है। अगेन यहाँ भी एक हमें जो है वो एक पेपर मिल जाता है, स्क्रीन गार्ड मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाती है जो कि इस तरह से है, और फिर हमें मिलती है डिवाइस जिसको निकाल के रखते हैं साइड पर। अगेन यहाँ भी टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल है। अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स हैंड फ्री भी रखी गई है, और यहाँ हमें ZTE का ही चार्जर मिल जाता है जो कि 22W का मैक्सिमम चार्जिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। और याद रखिएगा ZTE की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, अमूमन मैंने जितने भी फ़ोन अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो बॉक्स में तो ये कुछ मिलता है, बात करते हैं कुछ फ़ोन्स की। फ़ोन को हम रैपर में से निकालते हैं बाहर, तो ये है V50 डिज़ाइन, काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लुक, और ये कलर ग्रेडिंग जो है ना ये देखो आप, रियर इसका जो है ना वो आपको प्लास्टिक बिल क्वालिटी मिलता है, फ्रेम मैट फिनिशिंग में है, जहाँ पर आपको इस साइड पर जो है ना वो ऑन ऑफ की मिल रही है इसकी। ये वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं, और उसके साथ साथ सिम की बात करते हैं, दो सिम साथ एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट भी मिल जाती है, 3.5 जैक मिलता है, माइक मिल जाती है, टाइप सी कनेक्टिविटी और स्पीकर ग्रिल मिल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा इसका ZTE का ब्लेड A54 है, इसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन ऊपर मेंशन है, जैसा कि 6.6 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, 13 MP का इसका रियर कैमरा है, साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड है, 5000 mAh की बैटरी है, 4GB 64GB का वेरिएंट है जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, 8GB तक इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। फ़ोन की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो लुक भाई बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, कहीं से भी ये 20,000 रुपये का फ़ोन नहीं लगता। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का रिंग मिल जाता है कैमरा मॉड्यूल में, ZTE की ब्रांडिंग है पूरा का पूरा ये, इस तरह के हमने बहुत सारे फ़ोन देखे हैं फ्लैगशिप सीरीज में भी कैमरा मॉड्यूल लेके आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, टेबल पर रखते हुए फील भी नहीं आएगी और स्मजेस भी कम कैच करता है। एक ही फ्रेम में बनाया गया फ़ोन है, जैसा कि आप बैक देख रहे हो और यहाँ फ्रेम देख रहे हो, फ्रेम थोड़ा सा मैट फिनिशिंग वाली लुक देता है, साइड फिंगर माउंटेड है, ये थोड़ा सा यहाँ पर जंप टाइप आपको मिलता है, खड्डा टाइप मिलता है, उसके साथ ही वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं, ऊपर वाली साइड क्लीन बनाई गई है, यहाँ पर सिम ट्रे है जिसमें 2 सिम एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट है, बॉटम की साइड पे टाइप सी की कनेक्टिविटी, माइक, एक स्पीकर ग्रिल, और साथ के साथ आपको देखने को मिल जाता है एक 3.5 का जैक। अब वेट की बात करते हैं तो 180-185 ग्राम के राउंड जो है ना वो इसका आपको जो है ना वेट मिल जाता है।
वेट ज्यादा नहीं है इस फोन का, स्लिमनेस भी की बात करते हो 8.2 8.3 mm की आपको थिकनेस मिलेगी। अब A54 की बात की तो 20,000 रुपए के हिसाब से वो जो है ना फीचर ऑफर कर रहा है, बट अगर हम 30,000 की बात करते हैं, पाकिस्तान में डिस्काउंट लगा हुआ है भाई, ये पहले रिटेल प्राइस में कुछ ज्यादा थे और ये ईद सेल भी चल रही है और साथ साथ ईद के बाद भी प्रॉबली आपको यही प्राइस मिले। अब V50 डिजाइन की बात करते हैं तो ये पहले 33,000 रुपए का था और अब आपको 30,000 रुपए में 8GB 256GB के साथ ऑफर करता है। और डिजाइन की बात करूं तो भाई एक ट्रेंडिंग डिजाइन बॉक्सी डिजाइन के साथ मिलता है एंड ग्लास बैक के साथ आता है। अब ये ब्लैक टाइप का कलर है लेकिन इसमें आपको कुछ और कलर भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक जो है ना वो कोसे कजा वाला कलर भी मिलता है, रेनबो वाला कलर भी आपको मिल जाता है, जिसको आप थोड़ा सा ब्लूइश कह सकते हो, सनराइज ब्लू कलर कह सकते हो, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो आपको उसके शेप में मिल जाता है, लुक अच्छी है, ट्रिपल कैमरा मिल रहे हैं, साथ साथ एक फ्लैश लाइट है। मेन कैमरा खैर 50 MP का ही आपको मिलता है, फ्रंट 8 MP का सेंसर लेके आता है। फोन का जो फ्रेम है ये मैट फिनिशिंग में आता है। फोन के थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस अराउंड इस फोन की 8.3 mm के अराउंड मिलती है। वेट ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको 207 ग्राम का वेट मिलेगा। ग्लॉसी लुक है, स्मजेस पकड़ता है। दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिलती है और ग्लास बिल्ड क्वालिटी तो आई थिंक थोड़ी सी आईपी रेटिंग IP53 स्प्लैश प्रूफिंग भी आपको मिल जाएगी। पर V50 डिजाइन की अगर डिजाइन की बात करते हैं तो यस डिजाइन पूरा रिप्रेजेंट करता है, बट अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेट यहां पर एक नॉच डिस्प्ले, बट ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन विद 90Hz रिफ्रेश रेट और 6.6 इंचेस का एक आपको बहुत बड़ा नहीं कॉम्पैक्ट साइज वाला डिस्प्ले मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े डिस्प्लेज नहीं पसंद करते 6.7-8 इंचेस के, तो उस टाइप की चीज़ें जो है ना वो आपको उससे साइज ज़रा छोटा मिलेगा, तो एक कॉम्पैक्ट साइज में इसको कह सकता हूँ, इजीली वन हैंड आप ऑपरेट कर सकते हो। डेलाइट की विजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 350-400 के जो है ना पीक ब्राइटनेस निट्स मिल जाती है, ब्राइटर डिस्प्ले है। और ZTE के फोन में मैंने हमेशा ये नोटिस किया जो फ्रंट साइड पर ग्लास यूज़ करते हैं ना, ये 2.5D ग्लास होता है, जो टच स्मूथनेस है वो नॉर्मल दूसरे अगर IPS पैनल्स के साथ आप कंपेयर करोगे ना दो फोन्स को साथ रख के, तब आपको डिफरेंस फील होगा। वीडियो में मैं क्या जज कराऊंगा, मतलब इस फोन का टच भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मुझे फील हुआ है। बाकी हार्डवेयर की बात करते हैं तो ये यूनिसॉक T606 के साथ आता है, 1.6 GHz का क्लॉक स्पीड है, माली G57 का GPU मिलता है, आपको अपना ही OS ZTE का मिलता है जो कि काफ़ी हद तक क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील आपको प्रोवाइड करता है। कुछ गेम्स प्री इंस्टॉल मिलती हैं, ज़्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं है, ZTE का अपना केयर मिल जाता है आपको, बाकी YouTube की सारी जो है ना वो एप्लीकेशन मिल जाती हैं, एक दो गेम्स जो है ना वो प्री इंस्टॉल आपको मिल जाएंगे, अगर आप उसको नहीं खेलना चाहते तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। बहरहाल मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि एक वन ऑफ द मतलब अगर बजट सेगमेंट में जाते हो ना, बहुत सारी UIs हैवी हो जाती हैं, ये लाइटर UI है जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिलेगी। दूसरा ये 8GB रैम के साथ आता है और इस 8GB को आप 10GB के साथ एक्सटेंड भी कर सकते हो, 18GB रैम बन जाती है, बट इन्होंने मेंशन किया कि 8GB फिजिकल रैम है। हाँ, अगर आपने कुछ एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करनी है तो लाइटर एप्लीकेशन हैंडल कराने के लिए आप 10GB एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज़रा लाइटर एप्लीकेशन को हैंडल करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 8GB के साथ 256GB की जो है वो स्टोरेज भी मिल जाती है, एक जो बेसिक यूज़र है, बजट सेगमेंट का यूज़र है, उसके लिए एक बड़ी स्टोरेज भी मिल जाती है। फ्रंट साइड पर 8 MP का कैमरा है, बैक साइड पर आपको 50 MP मिलता है, 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट्स भी मिल जाते हैं, डे लाइट में आपको जो कलर टोन है वो अच्छी मिलेगी, बजट इन सेगमेंट के फोन्स के जो टिपिकल कलर साइंस होती है वही आपको देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह कि 5000 mAh की बैटरी लेके आता है, 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है, तो फास्ट टाइम में फास्ट चार्जिंग भी आपको मिलेगी, नॉट फास्टेस्ट बट 30,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे फोन्स 18 वॉट या 10 वॉट के चार्जर के साथ आ रहे होते हैं, तो डब्बे में भी आपको 22.5 वॉट का चार्जर मिल जाता है। बाकी 4G VoLTE की सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फोन जो है वो सिंगल स्पीकर में आता है, साइड फिंगर में माउंटेड है, फेस अनलॉक जैसे फीचर सारे आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। तो ये है ZTE के दो फोन्स, दो अनमोल रतन, एक है A54 ब्लेड 18,000 रुपये में 4GB 64GB और एक है ZTE का V50 डिज़ाइन 30,000 रुपये में 8GB 256GB और ZTE का A72S भी मैंने पहले फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला कवर किया हुआ है, उसका भी डिस्काउंट लगा हुआ है 22-23,000 रुपये में, वो भी आपको मिल रहा है 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो आपने देख लेना है ZTE की इन प्रोडक्ट्स को। तो हम बात करते हैं गिव अवे क्या करने वाले हैं। देखो भाई, हमने पहले एक ईदी वाला गिव अवे किया हुआ अपने चैनल पे, लेकिन ये गिव अवे होने वाला है हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर पर। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हम लोग की बड़ी सपोर्ट चल रही है, ऑलमोस्ट हम 7.5 लाख के करीब करीब है, बट जैसे ही 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे हम इस V50 डिज़ाइन का जो है गिव अवे करने वाले हैं। अब उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी है और आपने सब्सक्रिप्शन हमारी बढ़वानी है अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सर्कल्स में आपने हमारी वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्रिप्शन बढ़ानी है। और अगर हमारे अप्रैल, चलो मई कर लेते हैं, मई से पहले 8 लाख सब्सक्राइबर हम लोग क्रॉस करते हैं तो इंशाल्लाह ताला एट द सेम डे जिस दिन 8 लाख जो है ना वो क्रॉस हो रहे होंगे इसका गिव अवे अनाउंस हो रहा होगा। इंस्टाग्राम पर भी हम पोस्ट डालेंगे, टिकटॉक की शॉर्ट वीडियो में भी मैं कर दूंगा तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, बट इस चैनल पर Q&A वाली वीडियो में मैं अनाउंस कर दूंगा, बाकी पोस्ट वहाँ पर लग जाएंगी, यहाँ भी कम्युनिटी टैब पे लग जाएंगी। तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट जरूर करना है और पार्टिसिपेशन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा कमेंट करना पड़ेगा, ZTE की कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहे हो या इन फोन्स की प्राइस आपको कैसी लगी है या ये ग्लास बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी है,
इसके बारे में आपने कमेंट छोड़ देना है ताकि आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सको। सो आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, मैं हूं लिबास मार्सक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।